अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीनियर केजी विषय अरबी। प्यारे बच्चों, आज हमारा अरबी का पेपर है। हमें पेपर लिखने से पहले हमारे पेपर को अच्छी तरह से समझ लेना है। सबसे पहले हमें पेपर में हमारा नाम लिखना है। यहाँ पर पेपर में लिखा हुआ है विद्यार्थिनु नाम, तो हमें यहाँ पर हमारा नाम लिखना है। प्रश्न एक अ में है, अलग पड़ता हुरूफ पर क्रॉस करो। तो यहाँ पर पहली लाइन के अंदर हुरूफ दिए हुए हैं, उसी हुरूफ में हमें देखना है कौन सा हुरूफ अलग है। जो हुरूफ अलग है उसी के ऊपर हमें क्रॉस करना है। इसी तरह प्रश्न एक ब के अंदर है, आका हुरूफ ना कटे हुरूफ लखो। तो यहाँ पर शीन, तो हमें शीन की कटे हुरूफ को लिखना है। सामने बॉक्स जो दिए गए हैं उसी बॉक्स में हमें हुरूफ लिखना है। उसी तरह बा है, जो है, नून है और कॉफ है, तो हमें यहाँ पर इसी तरह कटे हुरूफ को लिखना है। उसी के बाद यहाँ पर प्रश्न बे अ, चित्र जो इस सरू थता हुरूफ पर गौर करो। तो यहाँ पर सबसे पहला चित्र बंदर का है, तो बंदर को हम अरबी में क्या कहते हैं, उसी का पहले हुरूफ के ऊपर हमें क्या करना है, गोल करना है, सर्कल करना है। इसी तरह नीचे मोर का पिक्चर है, अब मोर को, मोर का चित्र है, मोर को हम अरबी में क्या कहते हैं, उसी हुरूफ के, उसी के पहले हुरूफ के ऊपर हमें सर्कल करना है। उसी के बाद यहाँ पर गुलाब का पिक्चर है, तो हमें गुलाब को हम अरबी में क्या कहते हैं, उसी के पहले हुरूफ के ऊपर हमें सर्कल करना है। उसी के बाद यहाँ पर बाघ है, तो बाघ को हम अरबी में क्या कहते हैं, उसी के ऊपर हमें सर्कल करना है। तो यहाँ पर हमें बाघ, उसी के अंदर हमें यहाँ पर गलती से नून की जगह पर जा लिखा हुआ है, हमें यहाँ पर इसी तरह क्या करना है, नून हुरूफ को लिख देना है। इसी तरह आगे है हाथ का चित्र, हाथ को हम अरबी में क्या कहते हैं, तो उसी के पहले हुरूफ के ऊपर हमें क्या करना है, सर्कल करना है। उसी के बाद प्रश्न बे ब, एक जीवा हुरूफ पर गौर करो। तो यहाँ पर जीम हुरूफ दिया गया है, मुफरद हुरूफ है। अब हमें मुफरद हुरूफ का मुरक्कब हुरूफ के ऊपर सर्कल करना है। जैसे अक्के हुरूफ है, उसी के कटे हुरूफ के ऊपर हमें क्या करना है, सर्कल करना है। यहाँ पर मुफरद हुरूफ जीम है, तो हम सामने वाले बॉक्स में तीन हुरूफ दिए गए हैं, उसी के जीम की कटे हुरूफ के ऊपर हमें ढूंढकर सर्कल करना है। इसी तरह रा है, तो रा की कटे हुरूफ को ढूंढकर सर्कल करना है। हा है, तो हा की कटे हुरूफ को देखकर सर्कल करना है। या है, तो या की कटे हुरूफ को देखकर सर्कल करना है। और दाल है, तो दाल के भी कटे हुरूफ को ढूंढकर हमें क्या करना है, सर्कल करना है, गोल करना है। प्रश्न त्रण अ, खाली जगह में खुट्टा हुरूफ लखो। अब यहाँ पर क्या है, खाली जगह दी गई है, तो हम सबसे पहले पहले हुरूफ को देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहला हुरूफ तो है, अब तो के बाद कौन सा हुरूफ आएगा वो हमें लिखना है। उसी के बाद हमें तरतीब बार यहाँ पर हाँ तक खाली जगह दी गई है, उसी खाली जगह को हमें क्या करना है, लिखना है। उसी के बाद यहाँ पर प्रश्न त्रण ब, चित्र जो ही पहले हुरूफ लखो। हमने यहाँ पर सबसे पहले, उसके पहले क्या किया था, हमने चित्र को देखकर हुरूफ पर सर्कल किया था। अब यहाँ पर हमें हुरूफ को लिखना है, तो यहाँ पर बाघ का पिक्चर दिया गया है, बाघ का चित्र दिया गया है, तो बाघ को हम अरबी में क्या कहते हैं, तो ये बॉक्स के अंदर हमें क्या करना है, हुरूफ को लिखना है। उसी के बाद यहाँ पर दरख्त का पिक्चर है, अब दरख्त को हम अरबी में क्या कहते हैं, तो उसी का पहला हुरूफ हमें लिखना है, लेकिन हमें क्या करना है, कटे हुरूफ में लिखना है, मुरक्कब हुरूफ में लिखना है। यहाँ पर ये चाबी का चित्र है, चाबी को हम अरबी में क्या कहते हैं, उसी का पहला हुरूफ लिखना है। उसी के बाद यहाँ पर ऊँट है, ऊँट को हम अरबी में क्या कहते हैं, तो उसी का पहला हुरूफ लिखना है। वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन को हम अरबी में क्या कहते हैं, उसी का पहला हुरूफ हमें लिखना है, लेकिन हमें कटे हुरूफ में ही हुरूफ को लिखना है। प्रश्न चार, अ जोड़ का जोड़ो। अब यहाँ पर क्या है, पिक्चर को हुरूफ के साथ हमें जोड़ देना है। पहले हमने चित्र को हुरूफ के साथ सर्कल किया, गोल किया, अब उसके बाद क्या है, चित्र को हुरूफ के साथ जोड़ने का है। तो हम यहाँ पर जो चित्र दिए गए हैं, यहाँ पर सबसे पहला चित्र क्या है, घेटे का है, तो हमें घेटे को हम अरबी में क्या कहते हैं, उसी के हुरूफ के साथ हमें जोड़ना है। यहाँ पर नीचे हुरूफ दिए गए हैं, तो यहाँ पर हमें हुरूफ को देखकर चित्र के साथ हुरूफ को जोड़ना है। उसी के बाद हाथी का चित्र है, मोबाइल फोन है, चाबी है, लींबू है, और यहाँ पर नीचे हुरूफ भी दिए गए हैं, तो हमें हुरूफ को चित्र के साथ जोड़ देना है। इसी तरह यहाँ पर प्रश्न चार ब, यहाँ पर जोड़ का जोड़ो, ये गलती से सूचना दी गई है। यहाँ पर है वच्चेना हुरूफ लखो, यहाँ पर क्या है, वच्चेना हुरूफ लखो, तो हमें यहाँ पर बीच वाले हुरूफ को लिखना है, तो हमें इसी तरह सूचना को बदल लेना है।
इसी तरह हम सूचना को चेंज कर लेंगे। उसी के बाद हम पहले हुरूफ को देखेंगे। सबसे पहला हुरूफ है सीन। सीन के बाद दो खाली जगह दी गई है, बाद में है दौत। कटे हुरूफ में लिखा हुआ है, तो हमें सीन के बाद वाला जो भी हुरूफ आएगा उसको कटे हुरूफ में ही लिखना है। उसी के बाद कॉफ है और यहाँ पर मीम है, तो बीच वाले हुरूफ को हमें लिखना है। इसी तरह यहाँ पर वाव है, बीच में दो खाली जगह है, आगे या हुरूफ लिखा हुआ है, तो हमें बीच की खाली जगह को पूर करना है। इसी तरह अलीफ है, यहाँ पर सा है, तो हमें बीच वाली खाली जगह को लिखना है। मीम है और आगे हा है, तो बीच वाली खाली जगह को हमें पूर करना है। तो हमें इसी तरह हमारे पेपर को अच्छे राइटिंग से लिखना है, चित्र को देखकर सही तरीके से हुरूफ को जोड़ देना है, हुरूफ को लिखना भी है, खाली जगह को भी लिखना है। हमें अच्छी तरह से हमारे पेपर को क्या करना है, लिखना है, अच्छे राइटिंग से लिखना है। और याद रहे कि हमें कटे हुरूफ में लिखना है, मुफरद हुरूफ में नहीं लिखना। तो ये हमारा आज का पेपर है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।